Assalamualaikum dear student, this is Farmanullah Khan. Today we are discussing unit 2 of fundamental of nursing, that is concept of values and belief. तो आज इस यूनिट में हम कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज एंड बिलीफ के बारे में पढ़ते हैं. ये इस यूनिट का पार्ट फर्स्ट है, इसका पार्ट सेकेंड भी हमारे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो वहीं से जाकर आप इसका पार्ट फर्स्ट का वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं. तो आज इस वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ वैल्यूज एंड बिलीफ के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें जो हमारे पास MCQs आ सकते हैं तो हम वो भी इसमें पढ़ेंगे, ताकि फिर आपको एग्जाम में आसानी हो. तो जो MCQs इसमें बन सकते हैं उसको भी हम मेंशन करेंगे. ऑब्जेक्टिव्स आज के हमारे हैं कि डिफाइन वैल्यू एंड बिलीफ पैटर्न. देखो, वैल्यू हमारे पास कोई भी ऐसी चीज जिसको हम अहमियत देते हैं. तो डिफरेंट चीजों की हमारे जहन में डिफरेंट अहमियत होती है, हमारे सामने उसकी डिफरेंट हमारे पास प्रायोरिटी होती है. जिस तरह के अगर हम जो है फैमिली मेंबर, हमारे फैमिली मेंबर जितने भी है तमाम हमें क्लोज हैं, सही है, हम तमाम लोगों की कदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हेल्प करते हैं. लेकिन जो हमारे पेरेंट्स होते हैं तो हम उसको हाई वैल्यू पे रखते हैं, उनको हाई वैल्यू देते हैं, उनको प्रायोरिटी पे रखते हैं. इस तरह हमारे पास बिलीफ्स होती हैं, बिलीफ होती हैं किस लोगों का, अपने आप पे बिलीफ होता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ. वो अक्सर कहते हैं कि मुझे खुद पे बिलीफ था कि मेरे इतने मार्क्स आने थे और मेरे मार्क्स आ गए. एक टाइप हमारा बिलीफ ये है कि अल्लाह पे बिलीफ, के जो है सब कुछ करने वाला अल्लाह है, एक इस तरह का बिलीफ होता है. कुछ लोग होते हैं जो हमारे पास गैर मुस्लिम होते हैं, फिर वो उसके बिलीफ डिफरेंट चीज़ों पर होते हैं, सही है. इसके बाद एक्सप्लेन हाउ बिहेवियर रिलेटेड टू वैल्यूज. देखो, जब हम चीजों को अलग अलग वैल्यू दे देते हैं, हर चीज की हमारे जहन में अपनी एक कीमत होती है, अपनी एक औकात होती है, अपनी एक प्रायोरिटी स्टेज होता है उसका, तो वो हमारे बिहेवियर को किस तरह रिलेट होते हैं ये वैल्यूज, तो आज इस वीडियो में हम ये भी पढ़ेंगे. और जो लास्ट के जो हमारे तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हम इसके सेकंड लेक्चर में जो है उसमें हमने कवर किए हैं, तो वहीं से जाकर आप इनको स्टडी कर सकते हैं. तो अब हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन. वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट इन नर्सिंग एंड हेल्थ केयर एज दे अंडरपिन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस इंक्लूडिंग डिसीजन मेकिंग, चूज बिटवीन अल्टरनेटिव्स एंड रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट. कहते हैं कि वैल्यूज किसी चीज को इंपॉर्टेंस देना, इंपॉर्टेंस की बिना पे किसी चीज को प्रायोरिटाइज करना, ये नर्सिंग में इंतहाई इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि जब हमारे पास कन्फ्लिक्ट आते हैं, कन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं कि अगर एक पर्सन जो है वो कन्फ्यूजन में हो कि मैंने कौन सी चीज सेलेक्ट करनी है, कौन सी चीज सेलेक्ट नहीं करनी, तो हम जब भी कभी भी कोई भी चीज़ सेलेक्ट करते हैं तो वो प्रायोरिटी बेस पे, वैल्यू के बेस पे, जो चीज़ हमारे नज़र में कीमती होती है, जो चीज़ हमारे नज़र में अफजल होती है, बेहतरीन होती है, हम उसको सेलेक्ट करते हैं, सेकंड को हम रिजेक्ट कर लेते हैं या सेलेक्ट नहीं करते. तो नर्सिंग में कहीं भी हमें जब डिसीजन लेना हो, या जो हमारे पास अल्टरनेटिव दो चॉइस आ जाए उसमें जो है एक को सेलेक्ट करना हो, या कोई भी हमारे पास कन्फ्लिक्ट वगैरह आ जाए, तो वो हम किस, वो हम वैल्यू के बिहा. उसके बाद वैल्यूज़ कैन बी डिवाइड इनटू थ्री लेवल ऑफ एक्सप्रेशंस. वैल्यू जो है हमारे पास उसको एक्सप्रेस करते हैं हम तीन चीज़ों से. किस तरह? एक बिलीव्स, जो हमारे पास हमारे डिफरेंट चीज़ों के बारे में हमारे डिफरेंट बिलीव्स होते हैं, डिफरेंट चीज़ों के बारे में हमारे अपनी सोच होती है, एक वो. दूसरा, अब आप सोचेंगे कि बिलीफ किसे कहते हैं, तो बिलीफ आगे लेक्चर में हम आपको क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ बता देंगे. दूसरा हमारे पास वैल्यू देम सेल्स. तीसरा हमारे पास एटीट्यूड. तो ये चीज़ें फिर आगे एक एक करके हम पढ़ते हैं. इसको हम तीन लेवल ऑफ एक्सप्रेशन में डिवाइड किए हैं. पहला हमारे पास है वैल्यू. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अभी स्टार्ट हो गई है. तीन जो स्लाइड्स हैं इसमें इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होगी. ये आपने MCQs के लिए याद रखना है कि ये डिफिनीशन उठा के उन्होंने वहाँ पर दिया होगा, और ऑप्शन में उनके जो है ये ऑप्शन दिए होंगे कि वैल्यू, ये वैल्यू का डिफिनीशन या बिलीव का है, एटीट्यूड का है, या जितने भी है वो आगे हमारे पास आ रहे हैं. लिहाजा आपको ये जो अभी पढ़ा रहा हूँ तो इसके डिफिनीशन आपको याद होने चाहिए. वैल्यू, वैल्यू बिलीफ आर एटीट्यूड अबाउट द वर्थ ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट आइडिया आर एक्शन. के जब हम जो है किसी चीज़ की इतनी इम्पोर्टेंस है, किसी चीज़ की कितनी अहमियत है, जब हम किसी चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं तो वो हमारे पास वैल्यू की बिना पे होता है. जिस तरह हम वैल्यू पर्सन को भी देते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं हम उसको हाई वैल्यू देते हैं, उसके बाद किसी का जो है फ्रेंड होता है, क्लोज फ्रेंड होता है, तो वो उसको जो अहमियत देते हैं उसको वैल्यू देता है, सही है. इसके बाद वैल्यू ऑब्जेक्ट को भी दी जा सकती है. जिस तरह हमारे पास लोगों के पास मोबाइल होता है तो वो उसकी केयर करते हैं, या कोई कार वगैरह होती है उसकी केयर करते हैं. इसके बाद एक्शन,
या आइडिया, किसी के पास जो कोई सोच होती है, कोई आइडिया होते हैं, उसके जहन में कोई तरकीब होती है, उसको अहमियत देना, या कोई इस तरह एक्शन या प्रैक्टिस वगैरह जो हम करते हैं, जो नर्सिंग प्रैक्टिस है, तो अगर आप इसको वैल्यू अहमियत देते हैं तो फिर आप इसको अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है बिलीफ। बिलीफ आर द एजम्पशंस वी मेक अबाउट आवर सेल्फ, अबाउट अदर इन द वर्ल्ड एंड अबाउट हाउ वी एक्सपेक्टिंग टू बी। तो बिलीफ हमारे पास एजम्पशंस हैं। एजम्पशन वो चीज़ें होती हैं जिनका या तो प्रूफ नहीं होता या कोई ज़रूरत नहीं होती उनको प्रूफ करने के लिए। कि जब भी कोई चीज़ अगर हम विदाउट प्रूफ मान ले तो यो फिर हमारे पास बिलीफ में आता है। जिस तरह हमारा बिलीफ है कि मरने के बाद जो है हमें फिर दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, जिस तरह मुस्लिम्स का बिलीफ है कि मरने के बाद जो है इंसान दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे, तो अभी इसका प्रूफ हम नहीं मांगते, इसका प्रूफ हमने किसी से नहीं मांगा, बल्कि ये हमारा बिलीफ है, ये सच है कि ऐसा होगा। तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट बिलीफ्स होते हैं, ये एजम्पशंस होती हैं जिसका या तो प्रूफ होता नहीं है या फिर हम नहीं मांगते। अबाउट अच्छा, ये बिलीफ हमारा अपने हमारे उसके मुताबिक भी हो सकते हैं, लोगों के मुताबिक भी हो सकते हैं। जिस तरह लोग कहते हैं कि मुझे आप पे बिलीफ है आप ये एग्ज़ाम जो ये पास कर सकोगे, कुछ लोग कहते हैं मुझे खुद पे बिलीफ है मैं ये गेम जीत सकता हूँ। तो ये हमारे पास लोगों पे भी आपका बिलीफ होता है, खुद पे भी होता है कि आप किस तरह लोगों से या खुद से एक चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, इसको बिलीफ कहते हैं। इसके बाद आ जाता है एटीट्यूड। एटीट्यूड जैसे कि नाम से भी जाहिर है कि फीलिंग्स टुवर्ड अ पर्सन ऑब्जेक्ट आर आइडिया। देखो कि लोगों की तरफ आपकी जो है एक्सेप्टेंस, लोगों के साथ आपका जो बर्ताव है, लोगों की तरफ आपका जो आइडिया है, लोगों की तरफ जो आपकी सेंसेशन फीलिंग्स है, इसको कहते हैं एटीट्यूड। वो अक्सर लोग कहते हैं कि आपका एटीट्यूड मुझे सही नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि आप उसको सही से रिस्पांस नहीं दे रहे, आप उसको बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं, आप उसको बार बार तंग कर रहे हैं, उस पर तंज वगैरह कर रहे हैं, तो फिर वो आपको कहते हैं कि आपका एटीट्यूड सही नहीं है या आपका एटीट्यूड क्लास के मुताबिक नहीं है। अगर कोई क्लास में आप इस तरह की कोई गलत एक्टिविटी कर लेते हो तो एटीट्यूड इसे कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एजम्पशंस। Assumptions are belief that are regarded so as valuable and obviously correct that they are taken for granted and rarely examined or questioned. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि assumptions हमारे पास वो belief, वो चीज़ें होती हैं, वो हमारे पास बातें होती हैं या वो चीज़ें, वो beliefs होती हैं जिसको हम अहमियत देते हैं, उसको हम इतनी अहमियत देते हैं, उसको हम इतना करेक्ट मानते हैं कि उसके लिए हमें कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती। एजम्पशंस वो होते हैं। इसके बाद हॉनेस्टी। तो हॉनेस्टी जैसे कि इसके नेम से जाहिर है, अ फेसेट ऑफ मॉरल करेक्टर दैट कनेक्ट पॉजिटिव एंड वर्चुअस एट्रीब्यूट सच एज इंटीग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस एलॉन्ग विद द एब्सेंस ऑफ लाइंग, चीटिंग आर थेफ्ट। तो आप इसकी डिफिनीशन जो है आप याद रखें कि हॉनेस्टी कहते हैं ईमानदारी को, कि जब आप लोगों के साथ सच्चे होते हैं, जब आप लोगों को जो है गलत धोखा नहीं देते, गलत बयानी नहीं करते, सही है, लोगों की आप हेल्प करते हैं, लोगों के सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड होते, किसी को धोखा नहीं देते, तो इस करेक्टर को कहते हैं हॉनेस्टी। सही है। तो ये चीज़ें हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जब भी हम कोई केयर प्रोवाइड करेंगे, हाँ, इसलिए हम पेने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करना है। हमारे जो अपने बिलीफ हैं और जो पेशेंट की बिलीफ है उसके बिलीफ का भी हमने केयर रखना होगा। तो यहाँ पे आप बिलीफ इसलिए पढ़ते हो, देखो बिलीफ समथिंग रिलेटेड टू रिलीजन, बिलीफ रिलीजन से रिलेट भी हमारे पास होते हैं, कल्चरल वगैरह बिलीफ भी लोगों के होते हैं। तो जब हम अगर किसी और कल्चरल या रिलीजन वाले एक पर्सन को अगर हम केयर प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ कि हमारे जो हिंदू भाई होते हैं, जो हिंदू लोग होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो गाय का गोश्त नहीं खाते। तो अगर आपको किसी इस तरह के हिंदू पेशेंट को वो ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो आप उसको प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे या आप उसको जो है उसका नहीं कहेंगे, गाय का गोश्त खाने का आप नहीं कहेंगे, क्योंकि ये उसके बिलीफ के मुताबिक नहीं है, उसके कल्चर के मुताबिक नहीं है। लिहाजा इसलिए हम ये चीजें
पढ़ते हैं, क्योंकि ये हमारे नर्सिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इसके बाद आ जाता है कोड। एनी सिस्टम ऑफ प्रिंसिपल रूल्स आर रेगुलेशन रिलेटिंग टू वन सब्जेक्ट। देखो, हर चीज़ के अपने रूल्स अपने प्रिंसिपल होते हैं। जिस तरह अगर हम नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग का पहला प्रिंसिपल क्या है कि हमने लोगों को केयर प्रोवाइड करनी है, जिसका इथिकल प्रिंसिपल दूसरे नर्सिंग का कि हमने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाना होगा, कम से कम हमने लोगों को तकलीफ़ पहुंचानी है। अगर पहले तो बिल्कुल तकलीफ़ पहुंचानी नहीं है, लेकिन अगर किसी चीज़ में उनको पेन हो रहा है या कोई प्रॉब्लम उन्हें हो रही है तो वो कम से कम हो। अगर मैं एग्जांपल दूं कि जिस तरह हम इंजेक्शन लगाते हैं, तो इंजेक्शन लगाते वक्त तो पेशेंट को पेन होता है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि जितनी कम से कम हो उसको पेन दिया जाए, जिसको नॉन बेनिफिशेंस कहते हैं कि हमने किसी को नुकसान नहीं देना। तो हर चीज़ के अपने रूल्स अपने प्रिंसिपल्स अपनी रेगुलेशंस होती हैं, उसको कहते हैं कोड। तो कोड ऑफ एथिक्स भी होता है, कोड ऑफ नर्सिंग के अपने कोड्स हैं, इस तरह हर फील्ड के अपने कोड्स अपने रूल्स अपने प्रिंसिपल होते हैं। इसके बाद आ जाता है कंडक्ट्स। The manner of guiding or carrying oneself personal department mode of action or behavior. देखो, जब आप किसी डिपार्टमेंट में किसी फील्ड में उस फील्ड के कोड रूल्स के मुताबिक कोई काम करते हैं तो इसको कहते हैं कंडक्ट। जिस तरह हमारे यहाँ अक्सर हम सुनते हैं एक सेंटेंस के कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब ये है कि जो रूल्स हैं, जो एक हमारे पास प्रिंसिपल वगैरह हैं, उसके मुताबिक जब आप कोई काम करते हैं, कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, किसी को गाइड करते हैं, तो ये फिर हमारे पास आ जाता है कंडक्ट को। कंडक्ट में डिसीजन तो आपको पता है कि डिसीजन किसे कहते हैं, चॉइस को कहते हैं, जजमेंट को कहते हैं, कि आप कोई फैसला लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? द सराउंडिंग ऑफ एंड इन्फ्लुएंस ऑन अ पर्टिकुलर आइटम ऑफ इंटरेस्ट। देखो, इन्वायरमेंट हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, हमारा एक इंटरनल इन्वायरमेंट भी होते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट हमारे टिश्यूज, हमारे सेल्स, हमारे ब्लड्स फ्लूइड्स वगैरह, एक्सटर्नल हमारे पास एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो इसमें वो सराउंडिंग इंटरनल या एक्सटर्नल जो आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं, जो आपको इन्फ्लुएंस करती है और जिसको आप इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन्वायरमेंट हमें इन्फ्लुएंस इसलिए करती इस तरह करती हैं कि अगर बाहर सर्दी है तो हमें ज़ुकाम लग सकता है, और हम इन्वायरमेंट को इस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं कि जो हमारे पास मैन मेड जो डिज़ास्टर वगैरह होते हैं तो वो इन्फ्लुएंस होता है हमारी वजह से इन्वायरमेंट, और या हम सिगरेट स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो वो भी इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है। तो ये इन वो चीज़ जो आप वो सराउंड आपका जो आपको और आपको भी इन्फ्लुएंस करे और आपकी वजह से वो खुद भी इन्फ्लुएंस हो, ये हमारे पास इन्वायरमेंट कहलाता है। तो ये हम नर्सिंग में इसलिए पढ़ते हैं इन्वायरमेंट, क्योंकि डिफरेंट डिजीज़ हमारे पास इन्वायरमेंटल जो है वो ट्रांसमिट होती हैं। इसके बाद हमारे पास डिफरेंट कंडीशन में हमने इन्वायरमेंटल केयर प्रोवाइड करना होगा, जो इन्वायरमेंटल फिजिकल प्रॉब्लम उससे जो है पर्सन को दूर रखना होगा। जिस तरह हमारे पास फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो थ्योरी है कि इन्वायरमेंट को क्लीन रखना, सूटेबल रखना, लाइट वगैरह ये चीज़ें, तो इसलिए फिर हम इन्वायरमेंट पढ़ते हैं। मॉरल्स ऑफ रिलेटिंग टू प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन बिहेवियर, स्पेशली फॉर टीचिंग राइट बिहेवियर, के सही को गलत से जुदा करना, सही को सही कहना, गलत को गलत कहना, सही और गलत में फ़र्क करना, आपका जो है किसी चीज़ को सही टीचिंग कराना, राइट बिहेवियर टीच करना, कोई भी काम करना सच्चे तरीके से, सही तरीके से आप कोई भी काम परफॉर्म करो, आप जो है गलत को ना अपनाओ बल्कि सही को अपनाओ। तो ये हमारे पास आ जाते हैं मॉरल्स में कि वो बिहेवियर जो आपको राइट एंड रॉन्ग में डिफ्रेंशिएट कराए, वो बिहेवियर जो आपको राइट काम करने पे राइट टीचिंग राइट बिहेवियर की तरफ रागिब करे, वो हमारे पास मॉरल में आता है। इसके बाद है एटीट्यूड। एटीट्यूड इज अ वे पर्सन एक्सप्रेस आर अप्लाई देयर बिलीफ एंड वैल्यू एंड एक्सप्रेस थ्रू वर्ड्स एंड बिहेवियर। एग्जाम्पल, आई गेट रियली अपसेट व्हेन आई हियर अबाउट क्रुएल्टी टू चिल्ड्रन एंड एनिमल और आई हेट स्कूल। तो एटीट्यूड क्या है कि जब आप किसी चीज को
वैल्यू की बिना पे, कोई प्रायोरिटी की बिना पे, कोई बिलीफ की बिना पे, जब आप किसी चीज़ को की तरफ अपना बिहेवियर एक्सप्रेस करते हो, आप अपना एक्शन एक्सप्रेस करते हो, कोई भी इस तरह काम परफॉर्म करते हो, कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हो, लेकिन बिलीफ और वैल्यूज़ की बिना पे, तो ये हमारे पास आ जाते हैं एटीट्यूड। किस तरह कि अगर आप कहते हो कि यार मैं इंतहाई ज़्यादा खफा हो गया, क्यों? क्योंकि मेरे फैमिली मेंबर की डेथ हो गई है। तो फैमिली मेंबर को आप वैल्यू देते थे ना, आप वैल्यू देते थे, इसलिए आप उसको अहमियत देते थे, वो आपके दिल में उसकी कदर आपके दिल में थी, लिहाजा आपका बिहेवियर जो अपसेट है ये हमारे पास आ जाता है एटीट्यूड में। अब आते हैं बिलीफ पे। अ बिलीफ इज अ स्टेट ऑफ माइंड विच रिगार्ड अ थिंग टू बी ट्रू आर हैविंग कॉन्फिडेंस दैट समथिंग इज ट्रू। कि ये स्टेट ऑफ माइंड है, ये आपकी मेंटल एक्टिविटी है समथिंग रिलेटेड टू माइंड, कि आप किसी चीज़ को ट्रू मानते हो, किसी चीज़ को सच मानते हो विदाउट एनी प्रूफ या विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। मीन्स कि आप किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट वगैरह किए बगैर जब आप उसको सच मानते हो, तो ये हमारे पास आ जाते हैं बिलीफ में। बिलीफ इज एन इंटरनल फीलिंग दैट समथिंग इज ट्रू इवन द दैट बिलीफ मे बी अनप्रोन एंड इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल आई बिलीव दैट देयर इज अ लाइफ आफ्टर डेथ। कहते हैं कि बिलीफ जो हमारे पास है ये सम इंटरनल फीलिंग है, ये रिलेटेड टू आपके माइंड से रिलेट करता है, और ये जब आप किसी चीज़ पर बिलीव रखते हो तो आप उसको प्रूफ नहीं करते या आप उसका प्रूफ नहीं मांगते, आप उसको वैसे ही मान लेते हैं। और यहाँ पे जो उन्होंने एग्जांपल दिए जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका एक कि मेरा बिलीफ है कि लाइफ के बाद मरने के बाद मैंने फिर जो है जिंदा होना है, फिर मेरा जो है हिसाब होगा, जिस तरह मुसलमानों का बिलीफ है, तो ये हमारे पास बिलीफ होता है कि इसमें आप जो है किसी से प्रूफ वगैरह नहीं मांगते। बिलीफ आर द एजम्पशंस एंड convictions that are held to be true by an individual or group regarding concept, event, people and things। के belief वो चीज़ें होती है जिसको कोई person true मानता है, किस लोगों की परवाह किए बगैर, किसी जगह की परवाह किए बगैर, किसी इवेंट की परवाह किए बगैर, किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर, जब कोई शख्स किसी चीज़ को मानता है, किसी चीज़ के बारे में उसके एजम्पशंस होते हैं, तो वो फिर हमारे पास आ जाता है बिलीफ में। बिलीफ आर हेल्ड विदाउट रिकोर्स टू प्रूफ आर एविडेंस, और हम इसको एविडेंस के बगैर मानते हैं। तो ये सेंटेंस आप MCQs के लिए याद रख लें। बिलीफ कैन बी इन्फ्लुएंस बाई मैनी फैक्टर इंक्लूडिंग नॉलेज, एक्सपीरियंस, कल्चर एंड रिलीजन। अच्छा, जब आपका एक चीज़ के बारे में बिलीफ होते हैं तो वो आप उस चीज़ को वैल्यू देते हैं, तो वैल्यू आप किस बिना पे देते हैं? आपके पास अगर कोई नॉलेज हो तो आपके पास जो बिलीफ होता है उस पर नॉलेज इफेक्ट करता है, क्योंकि नॉलेज आपको थोड़ी बहुत उस चीज़ के बारे में बताते हैं, उसके बाद फिर आप बिलीव रखते हो उस चीज़ पे। दूसरा हमारे पास एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस भी आपके बिलीफ को बिलीफ पे इफेक्ट होता है। किस तरह के अक्सर जो है किसी पर्सन को एक रिलीजन में होता है, उसके अपने बिलीफ होते हैं, लेकिन उसे पता चल जाए कि ये रिलीजन सही नहीं है, तो फिर वो रिलीजन चेंज कर लेता है, क्योंकि उस एक्सपीरियंस की बिना पे वो बिलीफ जो उसकी चेंज हो जाती है। तो इस वजह से एक्सपीरियंस भी बिलीफ को इफेक्ट करती है, कल्चर भी बिलीफ पे इफेक्ट होती है, और रिलीजन भी। इस्लाम की अपनी जो है, इस्लाम मुसलमानों की अपनी बिलीफ है, इस तरह हिंदू मज़हब की अपनी बिलीफ होंगी, क्योंकि रिलीजन आपके बिलीफ पे इफेक्ट करता है, और कल्चर भी जो है इफेक्ट करते हैं आपके बिलीफ पे। जो आपका कल्चर होगा, जो आपके रसूमात होगी, वो आपके अकीदों वगैरह पे इफेक्ट होती हैं। द मोस्ट बेसिक वैल्यू एंड द वन दैट चेंज लिस्ट, और जो बिलीफ होते हैं ये मोस्ट बेसिक वैल्यू हैं, कि जिस चीज़ पे आप बिलीव रखते हैं तो उसको उसको आप इंतहाई ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। जिस तरह हम अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ से बढ़ के हम अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं, हमारा बिलीफ है कि अल्लाह एक है, अल्लाह सब कुछ करने वाला है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं बिलीफ में, और ये बेसिक वैल्यू हैं, सही है। और ये चेंज इंतहाई कम चेंज होता है। हमने देखें बहुत से कम लोग जो है वो मज़हब चेंज करते हैं, कि वो जो लोगों की बिलीफ चली आती है तो वो इसलिए चेंज कम होती है क्योंकि वो उसको इंतहाई ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लिहाजा वो उनमें चेंजेस नहीं लाते। बिलीफ गोज़ बियॉन्ड द ऑब्वियस, बेस्ड मोर ऑन फेथ देन
फैक्ट। और ये क्या कहते हैं कि ये हमारे पास इसका मेन जो वो होता है फोकस, वो फेथ पे होते हैं, फैक्ट्स पे नहीं होता, क्योंकि बिलीफ हमारे पास प्रूफ नहीं मांगती। वन ऑफ द मेन बिलीफ इन नर्सिंग इज दैट पेशेंट विल गेट बेटर विद गुड केयर। और नर्सिंग फील्ड में अगर बात करें तो क्या है कि जब हम पेशेंट की सही केयर करेंगे तो वो पेशेंट इंशाल्लाह सही होगा। ये भी हमारा बिलीफ है, ये भी हमारा बिलीफ है कि अगर जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हमारा एक्सपीरियंस नहीं होगा, तब तक हम किसी पेशेंट को केयर प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो डिफरेंट बिलीफ हमारे पास डिफरेंट जो है फील्ड्स की अपनी होती हैं। तो नर्सिंग में ये हमारी बिलीफ है। बिलीफ सिस्टम्स often deal with issue which cannot be explained by reason or logic, creation, the meaning of life, after life। देखो एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम चीज़ें मांगते हैं, चीज़ें मानते हैं, लेकिन उस पर हमारा कोई लॉजिक कोई रीज़न नहीं होता। जिस तरह मखलूक अल्लाह ने सब इंसानों को बनाया, तो इसमें क्या है अल्लाह ने क्यों बनाया, वो तो इबादत के लिए बनाया, लेकिन कैसे बनाया, कब बनाया, क्यों बना रहा है, ये जो जितनी भी क्वेश्चन है ये हम नहीं करते, क्योंकि ये अल्लाह की अपनी जो है उसकी अपना मर्जी है कि वो जो कुछ चाहे वो कर सकते हैं। तो जो बिलीफ होते हैं वो हमारे पास चेंज नहीं होते। ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी का मकसद जो मुसलमानों का होता है, लोगों को केयर करना, अल्लाह और उसके रसूल के रास्ते पे चलना, इबादत करना। तो ये जो हमारे पास मीनिंग ऑफ लाइफ है, आफ्टर लाइफ, लाइफ के बाद क्या होगा, तो डिफरेंट रिलीजन में हमारे पास डिफरेंट बिलीफ होते हैं। तो ये बिलीफ सिस्टम ये होते हैं जो चेंज नहीं होता। वैल्यू हैव मेजर इन्फ्लुएंस ऑन पर्सन बिहेवियर एंड एटीट्यूड एंड सर्व एज ब्रॉड गाइडलाइन इन आवर सिचुएशन। ये तो हमें पता है कि जितनी हम किसी चीज़ को वैल्यू ज़्यादा देंगे उतना हम उसको टाइम भी देंगे, उतना हमारा बिहेवियर वगैरह उसके मुताबिक होगा। बिलीव सिस्टम इज एन आइडियालॉजी आर सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट हेल्प अस इंटरप्ट आवर डेली एवरीडे रियलिटी। दिस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन, पॉलिटिकल एफिलिएशन, फिलासफी और स्पिरिचुअलिटी एमंग मेनी अदर थिंग। जो बिलीफ सिस्टम होता है वो डेली एक्टिविटी पे हमें इफेक्ट करता है, हमारे एक्टिविटीज़ को इफेक्ट करता है। डिफरेंट बिलीफ के लोगों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, सही है। तो वो क्या है कि ये हमारे पास रिलीजन के फॉर्म में हमारे पास बिलीफ होते हैं, पॉलिटिकल के फॉर्म में, फिलासफी वगैरह के फॉर्म में हमारे पास बिलीफ सिस्टम होता है। दिस बिलीफ आर शेप एंड इन्फ्लुएंस बाई नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, our knowledge on certain topic, the way we are raised, and even peer pressure from other can help to create and even change our belief system। तो जो हमारा बिलीफ सिस्टम होते हैं, जो हमारे अकीदे होते हैं, जो हमारे अपने माइंड सेटअप होते हैं, तो उस पर डिफरेंट चीज़ें इफेक्ट करती हैं। उस पर नॉलेज भी इफेक्ट करता है, उसमें जो हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं वो भी इफेक्ट करते हैं, उसमें हमारे पास फ्रेंडशिप पीयर रिलेशन जो आपका है वो भी इफेक्ट करता है, वहाँ इन्वायरमेंट के जो कंडीशंस वगैरह हैं, वो स्टेट वगैरह के जो अहकाम वगैरह हैं, तो वो भी उसको इफेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे पास आ जाते हैं बिलीफ के टाइप्स। तो MCQs के लिए आप इनको याद रख लें कि एक कमेंडेटरी बिलीफ है, दूसरा हमारे पास एग्जिस्टेंशियलिज्म। तो कमेंडेटरी किसे कहते हैं कि जब आपका बिलीफ अपने आप पे होते हैं कि आई बिलीव आई एम अ गुड राइटर, आई बिलीव दैट आई कैन अचीव दिस गोल, तो ये जब आपका अपने ऊपर जो बिलीफ होते हैं वो हमारे पास कमेंडेटरी कहलाते हैं। दूसरा जो एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है हमारे पास है कि बिलीफ इन गॉड, जब आप अल्लाह पे अगर आपका बिलीफ हो तो वो आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म में आता है, सही है। तो इसमें फिर आ जाते हैं मानोथियज्म। मानोथियज्म जब आपका एक अल्लाह को जब आप मानते हैं जिस तरह मुसलमान हैं, तो वो मानोथियज्म में आते हैं। पॉलीथियज्म में क्या आते हैं कि एक से ज़्यादा जब आप गॉड्स को मानते हैं, जिस तरह हमारे पास हिंदू लोग होते हैं वो एक से ज़्यादा बुद्ध को मानते हैं, तो वो फिर क्या होते हैं, वो पॉलीथियज्म में आते हैं। एक आते हैं हमारे एथियस्टिक। एथियस्टिक वो हैं, वो लोग होते हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। जितना जो मैंने सुना है तो चाइनीज जो हैं उसमें मैक्सिमम वो एथियस्टिक हैं कि वो किसी भी मजहब को वो नहीं मानते। इसके बाद हमारे पास आ जाती है वैल्यू, दे आर आल्सो बिलीव एंड आर डिफाइंड एज बिलीव अबाउट व्हाट इज डिजायर आर गुड एंड व्हाट इज अनडिजायरेबल आर अ बैड वैल्यू आर आइडिया दैट गाइड आर क्वालिफाई योर पर्सनल कंडक्ट इंट्रैक्शन विद अदर एंड इन्वॉल्वमेंट इन योर कैरियर लाइक मॉरल दे हेल्प यू टू डिस्टिंग व्हाट इज राइट फ्रॉम व्हाट इज रॉन्ग। तो ये जो हमारे पास वैल्यूज जितनी भी हैं कि हम किसी चीज़ को अहमियत देते हैं, किसी अच्छे और बुरे में हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं,
क्या सच है, क्या झूठ है, क्या सही है, क्या गलत, इसमें जो डिफ्रेंशिएशन कराता है, तो ये हम वैल्यू के बिना पे करते हैं। और बिलीफ अबाउट व्हाट इज, और जितना हमारे किसी चीज़ को हम वैल्यू देंगे उतना हम उस पर बिलीव करेंगे, और जितना हमारे बिलीफ होते हैं उतने हम उस चीज़ों को वैल्यू देते हैं। जिस तरह हम मुस्लिम्स का जो बिलीफ है कि अल्लाह एक है, तो हम इस चीज़ को इंतहाई ज़्यादा अहमियत भी देते हैं। इन्फॉर्म यू ऑन हाउ यू कैन कंडक्ट योर लाइफ इन अ मीनिंगफुल वे, और वैल्यूज आपको ये भी बताते हैं कि आप अपने लाइफ को एक मीनिंगफुल वे में किस तरह स्पेंड कर सकते हैं, किस तरह गुजार सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट चीज़ों को डिफरेंट वैल्यूज जब आप देते हैं तो आप जो है ये एक अच्छा सेटअप और एक अच्छी अहमियत आपके सामने रख लेता है कि जितनी हम चीज़ को अहमियत देंगे उतना हम उसकी केयर करेंगे, उतना हम उसके साथ मेहनत करेंगे। वैल्यू इज मेजर ऑफ द वर्थ इट्स इम्पॉर्टेंस अ पर्सन अटैच टू समथिंग, और वैल्यू आर ऑफन रिफ्लेक्टेड इन द वे वी लिव आवर लाइव्स, एग्जाम्पल आई हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो कहते हैं कि वैल्यू क्या है कि किसी चीज़ को जब आप अहमियत देते हैं किसी चीज़ की, आपके सामने उसकी कीमत ज़्यादा होती है, आपके सामने उसकी अहमियत ज़्यादा होती है, तो उतना उस चीज़ को आप ज़्यादा वैल्यू देते हैं। अ कोहेरेंट सेट ऑफ वैल्यू एडॉप्टेड एंड इवॉल्व बाई अ पर्सन ऑर्गेनाइजेशंस आर सोसाइटी एज अ स्टैंडर्ड टू गाइड इट्स बिहेवियर इन प्रेफरेंस इन ऑल सिचुएशन। तो कहें कि जो हमारे पास वैल्यूज़ होते हैं, जो रिलेटेड होते हैं पर्सन के मुताबिक हमारे वैल्यूज़ होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन की हम किस ऑर्गेनाइज को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, सोसाइटी के बाद हमारे पास वैल्यूज़ होते हैं, सोसाइटी में हम किसी चीज़ को कितनी अहमियत देते हैं, कितनी अहमियत नहीं देते, तो ये वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स में यूज़ होती हैं। अब हम यहाँ पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वैल्यूज़, जिसमें रिलीजियस वैल्यूज़, पर्सनल वैल्यूज, कल्चरल वैल्यू, ह्यूमनिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, डेमोक्रेटिक, और जो मोटिवेशनल वैल्यू है वो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। हमारे पास आ जाते हैं रिलीजियस वैल्यू, जिस तरह इसके नेम से भी जाहिर है कि जो मजहबी किसी चीज़ को आप इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो हमारे पास रिलीजियस वैल्यू में आते हैं। कि रिलीजियस वैल्यू आर एथिकल प्रिंसिपल फाउंडेड इन रिलीजियस ट्रेडिशंस, टेक्स्ट एंड बिलीफ, इन कंट्रास्ट टू पर्सनल वैल्यू। रिलीजियस बेस्ड वैल्यू आर बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स एंड रिलीजन एस्टेब्लिश नाम। देखो, जो हमारे पास पर्सनल वैल्यूज होती हैं वो आप पे डिपेंड करती हैं, लेकिन रिलीजियस जो होती हैं हमारे पास वो जनरलाइज होती हैं और वो एस्टेब्लिश नाम वगैरह के बिहा पे होती हैं, वो रिलेट होती हैं सम रिलीजन के साथ। जिस तरह इस्लाम है तो इस्लाम में हम किस क्या करते हैं, इस्लाम में हम बहुत सी चीज़ों को वैल्यू देते हैं, उसके कैटेगराइज हमने उनको वैल्यू दी हुई है, तो वो हमारे पास आ जाते हैं रिलीजियस वैल्यू, जो एक रिलीजन के बिना पे आपको मिलती हैं या एक रिलीजन के बिना पे आप किसी चीज़ को वैल्यू देते हैं। दे हेल्प पीपल डिटरमाइन विच एक्शन टू टेक एंड टू मेक जजमेंट अबाउट राइट आर रॉन्ग एंड गुड आर बैड। और जो रिलीजियस वैल्यू होती हैं तो वो आपको इस काबिल बनाती हैं कि आपके रिलीजन के मुताबिक कोई चीज़ सही है, कोई गलत है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, तो ये आपको डिफ्रेंशिएशन कराता है जो रिलीजियस प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन ये अगर आपके रिलीजियस वैल्यू होगी, किसी चीज़ को आप रिलीजन की वजह से अहमियत देंगे। इसके बाद सेकेंड हमारे पास आ जाते हैं पर्सनल वैल्यूज। पर्सनल वैल्यूज आर प्रिंसिपल दैट डिफाइन यू एज एन इंडिविजुअल। पर्सनल वैल्यूज सच एज हॉनेस्टी, रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट डिटरमाइन हाउ यू विल फेस द वर्ल्ड एंड रिलेट विद पीपल। पर्सनल वैल्यू क्या है कि ऐसी चीज़ जो आपको डिफाइन करे एज इंडिविजुअल, जो आपका लाइफस्टाइल हो, जो आप किन किन चीज़ों को आप अहमियत देते हो, किन चीज़ों को आप अहमियत नहीं देते। जिस तरह अगर मैं नर्सिंग स्टूडेंट की बात करूं, अगर वो प्रैक्टिस पे तवज्जो दे, प्रैक्टिस को अहमियत दे, तो क्या होगा कि वो हमारे पास एक अच्छे नर्स से जाना जाएगा, वो लोग उसको देख सक मीन्स पहचान लेंगे, उसको जो है लोगों के लिए ये पहचानना ईजी होगा कि ये पर्सन क्या है, ये प्रैक्टिस के हवाले से अच्छा है। तो क्यों? क्योंकि वो उतने जो पर्सनल वैल्यूज है वो उतने किसको दी, वो प्रैक्टिस वगैरह को दे दी, उसके जहन में ये ज्यादा है। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, जो हॉनेस्टी होती है,
एक शख्स में ईमानदारी, एक शख्स मेहनत करते हैं, एक शख्स ट्रस्ट वगैरह किसी पे है, तो ये हमारे पास आ जाते हैं पर्सनल वैल्यूज़ में। इसके बाद कल्चरल वैल्यूज़ होती हैं। कल्चरल वैल्यू जैसे आपको पता है कि कल्चर की वजह से आप किसी चीज़ को वैल्यू देते हैं। जिस तरह हमारे कल्चर में जो रसूमात होते हैं, शादी ब्याह पे खुशी मनाना, जो गम वगैरह होते हैं, फौतगी वगैरह होती है, तो उसमें आपके गम में आपके मोहल्ले वाले शरीक होते हैं। तो ये जो जितनी भी हमारे कल्चरल वैल्यू हैं, जब आप कल्चर की बिना पे किसी चीज़ों को अहमियत दें तो वो फिर हमारे पास आ जाते हैं कल्चर्स वैल्यूज में। इसके बाद ह्यूमनिस्टिक वैल्यू, द ह्यूमनिस्टिक वैल्यू प्रोक्लेम द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, रिस्पेक्ट द होल पर्सन, ट्रीट पीपल विद रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। तो ह्यूमनिस्टिक वैल्यू हमें ये देते हैं कि हर इंसान अपने लिए कीमती है, हर इंसान का अपने एहसासात जज्बात होते हैं, हर इंसान की अपनी पोजीशन है, हमने हर इंसान को केयर प्रोवाइड करनी है जो हमारे अंडर हॉस्पिटल में जो हमारे सामने पेशेंट हो, हर एक पर्सन का ये हक है कि उसकी रिस्पेक्ट की जाए, सही है, उसकी कदर की जाए। इज्यूम दैट एवरीवन इज इंट्रेंसिक वर्थ, और हम ये इज्यूम कर ले, ये मान ले कि हर इंसान अपनी जगह पे कीमती है, अपने लिए वो इम्पॉर्टेंट है, सही है। व्यू ऑल पीपल एज हैविंग द पोटेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ह्यूमनिस्टिक वैल्यू में ये होते हैं कि हर इंसान का हक है कि वो जिए, हर इंसान में ये कैपेबिलिटी होती है कि उसकी डेवलपमेंट हो, वो हमारे पास ग्रोथ हो उसकी। इसके बाद आ जाते हैं ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू। ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू ये है कि आप किसी चीज़ को पॉजिटिवली जब लेते हैं, दे पोज दैट पीपल आर बेसिकली गुड, कि आप सब लोग अच्छे हैं, ये तो टाइम की मजबूरी या किसी और वजह से उन्हें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बेसिकली हमारे पास तमाम लोग अच्छे होते हैं, सही है। प्रोग्रेस, किसी चीज़ में प्रोग्रेस मैंने करना है, किसी चीज़ में जब आपका प्रोग्रेस पॉजिटिव होते हैं, आपके अपने फील्ड में मेहनत करते हैं, तो जब आप क्या होते हैं, जब आप हर एस्पेक्ट को पॉजिटिवली लेते हैं, सही है, हर एस्पेक्ट को आप थ्रू रिस्पेक्टेबल मैनर रहते हैं, फिर वो हमारे पास आ जाते हैं ऑप्टिमिस्टिक वैल्यू में। इसके बाद हमारे पास आता है डेमोक्रेटिक वैल्यू। डेमोक्रेटिक वैल्यू क्या है, दे एजर्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द इंडिविजुअल, द राइट ऑफ पीपल टू बी फ्री फ्रॉम मिसयूज ऑफ पावर। डेमोक्रेटिक वैल्यूज ये हैं कि हर इंसान को जीने का हक है, कोई भी पर्सन को हम जो है ज़बरदस्ती किसी पर्सन पर कोई भी चीज़ हम मुसलत नहीं कर सकते, हर इंसान की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना होगा, उसको वैल्यूज प्रोवाइड करनी होगी, हर इंसान की रिस्पेक्ट करनी होगी, हर इंसान को जो है कानून में उसको जस्टिस मिलना चाहिए, हर इंसान का जो उसका हक है वो मिलना चाहिए, तो कि इक्विटेबल ट्रीटमेंट। जब हम डेमोक्रेटिक वैल्यू इसी को कहते हैं कि हमारे पास अगर पेशेंट है वार्ड में तो सबको हमने एक जैसी वैल्यू पे रखना होगा, उसमें हम डिफ्रेंसिएशन वगैरह ना करें। तो ये इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट था। इसका सेकेंड पार्ट जो है वो हमारा सेकेंड वीडियो में है, जिसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, तो वहीं से आप उसे पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।